ताबिश भी एक आज़म खान का आपने पूछा है मैं एक छोटी सी आपके चैनल के तो ओबली पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं जब जितने भी खेलते हैं वो सारे आंसरेबल हैं लोगों को ऐसी बात नहीं है आप हमें सबको क्रिटिसाइज़ ज़रूर करना चाहिए छोटा बच्चा है खेल रहा है उसकी बॉडी शेमिंग ना करें प्लीज़ वॉच आपने जो करना है जिस तरह की बात करनी है आप उसको करें आप उसकी गेम पे बात करें आप उसके स्टैट्स पे बात करें आप उसकी किंगशिप पे बात करें लेकिन बॉडी शेमिंग ना करें वो बच्चे ने अपना सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं वो पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकता है ठीक है तो ऐसा ना करें कि वो ऑलरेडी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और डाउन एंड अबाउट हो जाए अब सीनियर्स हैं आप सीनियर्स पे बात करते हैं बिकॉज वो लोग होते हैं जो प्रेशर को डील कर सकते हैं छोटे बच्चे नहीं कर सकते वेरी गुड इमाम कुछ कहना चाह रहे थे नहीं मैं ये अहमद भाई की बात को ही आगे करूँगा कि देखिए जैसे आज़म भाई की आजम भाई कह रहा हूँ आज़म खान की अहमद भाई ने बात की कि बॉडी शेम की देखें आज़म खान नहीं हमारे इधर मुझे बाबर की बात करने का शौक नहीं है क्योंकि वो मेरा दोस्त है वो फिर डिफरेंट एंगल में बातें उन्हें भी नहीं हाँ बा, बातें नहीं नहीं है लेकिन बातें वो कहीं चली जाती हैं लेकिन देखें इस नेशनल टीवी पे ना हम सब भी इसी बहुत अरसे पाकिस्तान से खेले हैं आप क्रिटिसाइज करो आप सबका हक है पाकिस्तान की टीम है जैसे आरजू ने बात की जो हम सब सब पर सब दुख में हैं कि यार हमें वो इंडिया वाला मैच है लेकिन एक बात याद रखो देखें रिस्पेक्ट का एलिमेंट कभी नहीं जाना चाहिए आपका वो कप्तान है आपने आके हटाना है जो करना है करते रहना भाई किसी को कोई मसला नहीं है किंग विंग आपने नहीं मानना ना मानो कोई नहीं उसको दुनिया ने बनाया आपके कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जब आजम की बारी में आ रहा है ना कि बॉडी शेम ना करें यार वो है तो फिर ये बाबर की बारी भी आना चाहिए तो, तो बाबर भी आप ही का प्लेयर है तो बाबर अगर आपने हटाना है तो हटा देना लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट कभी भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो भी पाकिस्तान के लिए खेला है वो भी ढाई सौ मैच इंटरनेशनल खेला है तो आपने इधर बीस स्टैट्स तो दिखा दिए मैच उसके वर्ल्ड कप के लेकिन अगर मैं पूछता हूं तो अगर फिफ्टी एवरेज उसकी हर तीन फॉर्मेट की है तो वो उसका कौन जवाब देगा किसी और की है तो लाके दिखा दो इधर मुझे कोई शौक नहीं है बाबर का लेकिन आपका रिस्पेक्ट का एलिमेंट आपके सबकी अपनी प्रायोरिटी है सबकी अपनी चीजें हैं सबका सोचने का तरीका अलग है लेकिन द थिंग इज कि अगर आप 20 मैच के स्टैट्स दिखा रहे हो तो मैं भी कल 250 मैच के स्टैट्स दिखा दूंगा उसके कोई रहा है पाकिस्तान की ओडी रैंकिंग में पिछले तीन साल से नंबर वन नहीं रहा वो टी में भी नहीं रहा वो टी में भी है वो तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ उसको उसने आपके टूर्नामेंट्स नहीं जितवाए यही है ना प्रॉब्लम के नहीं जितवाए कप्तानी ऐसा ही है। तो भाई उसका एहतिस होना चाहिए उससे पूछ कुछ होनी चाहिए और अगर वो नहीं कर रहा तो आप बिल्कुल चेंज करो कोई नहीं कह रहा लेकिन अगर आप हर चीज़ का स्टैट और हर चीज़ की जी आप ट्रेंड्स बना रहे हैं भाई वो वर्ल्ड कप खेल रहा है इतना टाइम नहीं है उसके पास कि वो आके इधर ट्रेंड बना रहे इतना इंपॉर्टेंस नहीं है और मैं इधर हम जियो पे हम क्रिकेट की बात करने आए मैं इधर मुझे शौक नहीं है कि हम इधर बाबर की बात करें ज्यादातर के हम उसके जो है हम स्टैट दिखाएं और भी बहुत सारी चीजें हैं तो ये प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप करो क्रिटिसाइज नॉट ओनली आजम खान चाहे सीनियर है जूनियर क्या सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं है खाली जूनियर की रिस्पेक्ट रह गई है सीनियर तो की भी रिस्पेक्ट है उन्होंने ज्यादा सर्व किया है पाकिस्तान के लिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि रिस्पेक्ट सबकी करनी है क्रिटिसाइज करना है क्रिकेट पे नॉट इन पर्सनल पर्सनल क्रिटिसिज्म इज नॉट गुड दैट्स इट तो अच्छी तो बात की है ने अब इनको ताली ताली तो हो यार बजाओ बेटा मैं किसी को भी किसी को भी किसी का स्टैट्स लगाने का शौक नहीं है और जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि उसको किसी चीज का पता नहीं है हमें भी सारी चीज़ों का पता है और आपको भी सारी चीज़ों का पता है तो जब आप अपने चेयमेंस के अगेंस्ट ट्रेंड्स बनवाते हैं उन्हें गालियाँ पढ़वाते हैं जब आप अपने सुपर स्टार्स को गालियाँ पढ़वाते हैं ट्रेंड्स बनवाते हैं भाई रोज रोज हो रही बात नहीं, नहीं, आप रोज तो आप यही बात करते तो फिर आप बात सुने ना फिर आप दूसरों को स्टैट्स दिखाते हैं कंपैरिजन करते हैं वो स्टैट्स फिर आप हमें बताते हैं आप ही ने क्वेश्चन किया था ना तो फिर लोगों ने जो हमारे फैंस थे हमारे स्टैट्स भिजवाए हम यही तो बोल रहे थे कि ये सिलेक्टिव स्टेट हैं आप ये ना करें अपनी क्रिकेट पे फोकस करें ठीक है आप वहां पे अपनी क्रिकेट खेलें आप लोगों को गालियां पढ़वा रहे हैं सुपर स्टार आप किसी को शौक नहीं ये बात एक एक बात बताना चाह रहा हूँ मेरी बात सुने आप आप ये कल जो आपके स्टेट ट्विटर पे फैली वो भी सारी एक ही वक्त पे मुख्तलिफ पे लगी तो मुख्तलि भी मेरी तो सुने।, सुने, सुने मैं भी तो आया हुआ ना शो में तो ऐसा है कि ये वो भी ऐसा किसी ने फैलाई भी ट्वीट थी वो भी दूसरी चीज़ ये है कि आप हर शो में ये बात कर चुके हैं कि बाबर ने ट्वीट लगाई या लगवाते हैं ये ये सब क्लेम्स हैं अभी तक जब आप ये आप अगर आपको लगता है करवाते हैं ना तो आप बजाय इसके कि रोज एक बात करें आप ट्विटर पर लगा देंगे ये ये कंपनियां ये करती है तो मैं आपको यही तो बोल रहा हूं कि अगर वो जो कमेटी है जिसका अभी तक डिसीजन नहीं आया है वो अगर उस पर किसी काम कर लेगा तो आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे कौन कौन है और वो क्या क्या करते हैं यही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ और हम जेनवनली बात करते हैं हम किसी को शौक नहीं है ठीक है कि आप किसी के स्टैट लगा के उसको यूं बात करें हमें भी, भी बुरा लगता है, है। लेकिन आप मजबूर करते हैं जब आप मजबूर करते हैं तब हम ये चीजें करते हैं आप मजबूर नहीं करें अपने काम से काम रखें हम भी अपने काम से काम हम आपकी क्रिकेट पे बात करेंगे जब आप जहरीली गालियां बढ़वाते हैं ना नहीं साबित और, और ये वो? ये यकीन जानिए करिए हम सारे क्रिकेटर्स हैं हमें हमें पता है ये कौन कौन कर दो क्रिकेटर नहीं है नहीं हम आपस में तीन क्रिकेटर हैं हमें हमें इतना आइडिया हम बहुत साथ खेले हैं हमें एक दूसरे के बारे में इतनी चीजें पता होंगी कि जितनी अपने हमारी माँ को नहीं पता होंगी तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ नहीं कंस्ट्रक्टिव नहीं है नहीं आप फिर वो स्टैट्स निकालते हैं फिर आप कंपैरिजन ना करें स्टैट्स निकाल के आप बात सुने उसको डाइजेस्ट करें मैच जीत के दे बस खत्म